चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस का कहर तेजी से दुनिया भर में फैलता जा रहा है। चीन में अब तक इससे 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल 2744 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। ये जानकारी चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने दी है। कमीशन के मुताबिक 461 लोगों की हालत गंभीर है, जबकि पिछले 24 घंटे में 769 कंफर्म केस और 24 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। चीन में युद्ध स्तर पर इससे बचाव के लिए उपाय किए जा रहे हैं। कई प्रमुख शहरों में लोगों को बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत तक आज आपको बताएगा कि ये कोरोना वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। कोरोना असल में वायरसों का एक बड़ा समूह है जो जानवरों में आम है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार कोरोना वायरस जानवरों से मनुष्यों तक पहुंच जाता है। नया चीनी कोरोना वायरस सार्स वायरस की तरह है। इसके संक्रमण से बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ये न्यूमोनिया का कारण भी बन सकता है। इसकी स्थिति मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सेवल इक्विट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से काफी मिलती जुलती है। हांगकांग विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के वायरोलॉजिस्ट लियो पून, जिन्होंने पहले इस वायरस को डिकोड किया था, उन्हें लगता है कि यह संभवतः एक जानवर में शुरू हुआ और मनुष्यों में फैल गया। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस एक जूनोटिक है। इसका मतलब है कि ये 2019 NCOV के जरिए जानवरों से मानव में फैला है। माना जा रहा है कि 2019 NCOV सी फूड खाने से फैला था, लेकिन अब कोरोना वायरस मानव से मानव में फैल रहा है। ये कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है। खांसी, छींक या हाथ मिलाना जोखिम का कारण बन सकता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के छूने और फिर अपने मुंह, नाक या आंखों को छूने से भी वायरस का संक्रमण हो सकता है। कोरोना वायरस के लक्षणों में नाक बहना, खांसी, गले में खराश, कभी कभी सिरदर्द और बुखार शामिल है, जो कुछ दिनों तक रह सकता है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए ये घातक है। बुजुर्ग और बच्चे इसके आसान शिकार हैं। निमोनिया, फेफड़ों में सूजन, छींक आना, अस्थमा का बिगड़ना भी इसके लक्षण हैं। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। न तो कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन बनी है और न ही 2019 NCOV की। इससे बचने का यही तरीका है कि एहतियात बरतें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और उसे कम करने के लिए कुछ एहतियात बरतने को कहा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को कम करने के उपाय बताए गए हैं। अपने हाथ साबुन और पानी या अल्कोहल युक्त हैंड रब से साफ करें। खांसते या छींकते वक्त अपनी नाक और मुंह को टिश्यू या मुड़ी हुई कोहनी से ढकें। जिन्हें सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण हो उनके साथ करीबी संपर्क बनाने से बचें। मीट और अंडों को अच्छे से पकाएं। जंगल और खेतों में रहने वाले जानवरों के साथ असुरक्षित संपर्क न बनाएं। ये बीमारी पीड़ित का जान ले लेती है, क्योंकि इस पर किसी दवाई का असर नहीं है, ना ही इसके लिए कोई दवा बनी है। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।